हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक सोर्स। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैं कुरुक्षेत्रा का रहने वाला हूं, तो मेरे पास जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे कि सर अपना, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर वगैरह कहां से असेंबल कराते हैं और असेंबल कराने का जो बजट है वो क्या रहता है और हम लोएस्ट बजट पे अपना पीसी कैसे तैयार कराना चाहिए, फिर हमें कुरुक्षेत्रा से कभी पीसी लेना हो तो हमें कहाँ से लेना चाहिए जहाँ से हमें प्राइस भी अच्छा मिलेगा और सेकंड जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो भी अच्छी मिलेगी, चाहे उसमें सेकंड हैंड पीसी हो चाहे न्यू ब्रांडेड मशीन हो। अगर हमें नई मशीन लेनी है तो उनका प्राइस हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, और अगर हम पुरानी यूज्ड मशीन ले सेकंड हैंड तो उस पर हमें किस प्राइस में कौन सी मशीन पड़ेगी, कौन सा डेस्कटॉप पड़ेगा, उसके अलावा कभी हमने अगर कंप्यूटर के पार्ट्स लेने हो तो वो हमें कहाँ से ईजिली मिल सकते हैं और सेकंड कि उनका प्राइजेस क्या क्या रहेगा। जैसे मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आज YouTube से शेयर करूँगा कि मैं जो अपनी मशीन्स लेता हूँ जिनमें मेरा YouTube चैनल चलता है, जिसमें अपनी मैं अपनी एडिटिंग करता हूँ, प्लस जो मेरे गेमिंग CPU है मैं अभी वहीं से अपने पार्ट्स लेके उन CPU को असेंबल करता हूँ, गेमिंग CPU। अगर आप कोई आप कुरुक्षेत्रा के रहने वाले हो और आप सोच रहे हो कि आपको गेमिंग PC चाहिए, क्योंकि गेमिंग PC के जो पार्ट्स होते हैं वो हाई कॉस्ट, मतलब उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और सेकंड वो हमें इजीली यहाँ पे नहीं मिल पाते कुरुक्षेत्रा एरिया में, तो उन पार्ट्स को लेने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है क्योंकि दिल्ली से ही मिलते हैं सामान और कंप्यूटर के सारे पार्ट। तो अगर मैं बताऊं कि कुरुक्षेत्रा में मैं जो शॉप से लेता हूं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूं कि मैं कहां से लेता हूं सामान वो जहां पे मेरे को एक तो फर्स्ट प्राइस भी बिल्कुल सही मिलता है, सेकंड जो मेरे को पार्ट्स मिलते हैं वो भी पार्ट्स बिल्कुल सही मिलता है, थर्ड जो उन पार्ट्स पे वारंटी रहती है वो भी मेरे को उस शॉप से मिल जाती है। तो मैं आज आपको लेके चलता हूँ उस दुकान से, और उस दुकान पे हमने जो जो उनसे बातचीत की वो मैं सारे इस वीडियोस में बताऊँगा कि हमें कौन सा पार्ट्स किस प्राइस का पड़ेगा, उस पर क्या वारंटीज रहेगी और उनके पास क्या क्या सामान है PC का इस टाइम। अगर कोई गेमिंग CPU कोई रेडी कराना चाहते हैं तो वो उस दुकान पे ज़रूर विज़िट करे, और दुकान का एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से दुकान का एड्रेस देख सकते हो। और जो दुकान है वो दुकान है अपना जो ओल्ड बस स्टैंड है कुरुक्षेत्रा का, उसके बिल्कुल सामने। तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि वो दुकान है कहाँ पे। सेकंड मैं जो उनके ओनर है उस शॉप के, जिनका नाम है मंजीत, सो मेरी जो उनसे बातचीत हुई उसका वीडियोस मैं आपको दूंगा कि उन्होंने जो जो मेरे को बताया कि कौन सा पार्ट हमें क्या प्राइसेस मिलेगा और उस पर वारंटी क्या रहेगी। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र जो मंजीत भैया की दुकान है इनके पास से। तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र में इनकी शॉप है यहाँ पे कुछ चीपेस्ट रेट पे आपको CPU वगैरह और डेस्कटॉप और लैपटॉप सब मिल जाएंगे। तो हम भैया से बात करते हैं कि इनके पास किस किस प्राइसेस के क्या क्या चीज़ें हैं। अगर भैया आपसे कुछ सबसे जो बेसिक्स यूज के लिए CPU हम आपसे लें तो वो सबसे कम रेट में क्या प्राइसेस के बताएँ। अपना ऐसा है, हम लोग डेल, HP, लिनोवो, तोशिबा और HCL वगैरह में इम्पोर्टेड माल, जैसे अपना विदेश से डेस्कटॉप मशीनें आती हैं अपने पास, ग्राफिक कार्ड वाली विदाउट ग्राफिक, वो इम्पोर्टेड होती हैं, तकरीबन कुछ टाइम चली होती हैं, जैसे साल 6 महीने के करीब दौरान चली होती हैं, वो USA कनाडा से वो अपने पास इम्पोर्ट होके माल आता है। बिल्कुल ही आप उसको लगा लो, कुछ टाइम चली, बिल्कुल ब्रांड ही न्यू होती है वो, ठीक है। वो आपको जैसे मार्केट प्राइस उस मशीन का i5 4th 5th 6th जनरेशन है, उसका जैसे आप लगाओ मार्केट प्राइस CPU का 8 GB रैम होगी आपका और 500 GB या 1 TB हार्ड ड्राइव होगी i5 में, वो करीब करीब मार्केट प्राइस आप अगर को नया वो मिलेगा 35,000 के करीब, तो अपने पास वो इम्पोर्टेड मशीनें 20,000 रुपये के आसपास वो मिल जाती हैं। और इसी तरह अपने लैपटॉप हैं i5 में i7 में, और एसेसरी टोटली अपना रिपेयरिंग का सेल परचेज का टोटली अकाउंट,
तो मतलब जैसे जो मशीन आपको 35,000 रुपये मार्केट में मिली थी, वो भैया के पास आपको सिर्फ 20,000 रुपये मिला ही अच्छी कंफिगरेशन की। अगर बात करें वारंटी की, तो वारंटी आप दोगे इस चीज़ पे? वारंटी वो 1 ईयर में हमारे, हम उससे मतलब 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, उसकी 1 ईयर की वारंटी हम दे देते हैं। और हमारे पास पीछे से 1 मंथली में आती है, 1 मंथ की वारंटी आती है उसकी। मतलब अगर आप यहाँ से मशीन लोगे तो आपको 1 मंथ की वारंटी इस शॉप से मिलेगी, और अगर आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो 1 ईयर के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर हम बात करें, अगर हमें एक सीपी लेना है बेसिक नॉर्मल यूज के लिए, जो घर पे ऑफिस यूज करते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से स्टार्ट होगी? i5 हो गया, मतलब i3 हो गया, 2GB 4GB रैम में स्टार्टिंग प्राइस ऐसी है, जैसे ड्यूल कोर 42 है, इंपोर्टेड है, उसमें 17-inch स्क्रीन है हमारी, और न्यू कीबोर्ड माउस है, और बस 160GB हार्ड ड्राइव, 2GB रैम के लिए में वो मशीन करीब करीब 6,000 से 7,000 रुपये में हम दे देते हैं। मतलब 6 से 7,000 में आपको डेस्कटॉप और सीपीयू कीबोर्ड माउस सब मिलेगा। मतलब 6,000 में आपको सीपीयू टोटली कंप्लीट आपको मिल जाएगा। अगर हम उससे ऊपर की बात करें, जैसे i3 सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन, वो करीब करीब 17-inch विद प्लस कीबोर्ड माउस में वो 12,000 से 12,500 के आसपास वो मुझे मिल जाएगी। उसमें अपनी 4GB रैम है, 320GB हार्ड ड्राइव। तो अगर हम बात करें कि आपके पास सीपीयू जो डेस्कटॉप के साथ है, वो 6,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। 6,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। और जो सबसे हाईएस्ट उसका प्राइस है, वो कहाँ पे है? वो करीब करीब अपना 30-32,000 रुपये के आसपास है। उसमें आपका वाईफाई 4th जनरेशन और 240GB SSD हार्ड ड्राइव और 8GB रैम, और उसमें 4GB का ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, जो अपना पबजी वगैरह गेम बच्चे खेलते हैं, वो भी अपनी 30,000 रुपये के आसपास वो तैयार हो जाएंगे। गेमिंग पीसी अगर आप अपना तैयार कराना चाहते हो, तो यहाँ पे कुशेत्र भैया की शॉप पे जरूर आएं, आपको एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर बात करें, मैं यहाँ से भैया के पास से अपना 5वां CPU जो कि अभी लेके जा रहा हूँ, और जो मैंने इसे पिछले जो अपने CPU यूज़ किए, मैं इनके साथ 2 साल से हूँ, तो मैंने जो पिछले इनसे CPU यूज़ किए, मेरे को उनके क्वालिटी और उनकी कॉन्फ़िगरेशन और स्पीड सब अच्छी मिली। तो आज मैं इनसे एक CPU और लेने आया हूँ, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि हमने भैया के पास से अभी CPU लिया है, और CPU का प्राइस और कॉन्फ़िगरेशन आपको हम बताएंगे। CPU आप देख सकते हो डेल की मशीन है, ठीक है, फ्रंट से ये है, अच्छे से ध्यान दें, और साइड से ये है। तो हमें इसमें अब देखेंगे कि हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन इसमें देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बोर्ड की बात करते हैं, बोर्ड में हमें 4 मिलेंगे रैम्स लगाने के सोल्यूट, और रैम के साथ हमें जिसमें हमने 4 GB की 2 रैम्स लगाई हैं, 4 की फर्स्ट और 4 की सेकंड, और प्रोसेसर हमने लिया i5 की 4th जनरेशन, और इसमें हमने एक SSD लगवाई है सर से 240 की, ठीक है, और सेकंड 1 TB की हार्ड डिस्क है, और DVD राइटर और पावर सप्लाई एंड फैन एक्स्ट्रा। तो अगर हम भैया से पूछे कि हमने इनसे किस प्राइस को क्या क्या प्राइस पड़ी, तो अगर हम आपको इस CPU का प्राइस बताएं, टोटली सिर्फ CPU जो हमने भैया से लिया है, इस CPU का प्राइस है सिर्फ 19,000 रुपये, ठीक है। तो हम भैया से पूछते हैं, उन्होंने इसमें क्या क्या हमें इंस्टॉल करके दिए, आपने इसके अंदर कौन सी विंडो इंस्टॉल की है? सर मैंने इसमें विंडो 10 इंस्टॉल किया है, और मैंने इसमें SSD लगाई है 240GB की। आपने SSD लगाई है, और हार्ड डिस्क 1 TB SSD आपने, अगर हम पूछे तो प्राइस क्या रहेगा SSD का? अगर हमारा कोई व्यूअर आपसे यहाँ पे लेने आए SSD 240 का, 240GB लेने आता है कोई, तो अराउंड 3200 या फिर 3500 के अराउंड आपको कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो भी आपने अपने पार्ट्स लेने हैं कंप्यूटर के, वो आपको थोड़े मतलब चीप प्राइस पर और अच्छी परफॉर्मेंस आपको देंगे। तो आप एक बार भैया की शॉप पे विजिट करिए, और ये अब हम इसे 5वां CPU लेके जा रहा हूँ, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को अच्छी परफॉर्मेंस मिली, और प्राइजेस की हम बात करें तो प्राइजेस बहुत कम है। तो अगर हम इस साइड ध्यान दें, भैया की शॉप पे बहुत स्टॉक पड़े हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे HP का जो प्रिंटर है, उसके बाद कीबोर्ड्स, ये सारे कीबोर्ड एंड कूलिंग फैन यहाँ पे, और उसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे भैया ने अपने CPU रखे हुए हैं, CPU के साथ साथ जो इनकी मशीनें हैं ये सारी पड़ी हैं, और ये अच्छी प्राइजेस की भी आपको मिलेंगी, और जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। और उसके साथ यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं और मशीनें हैं, और यहाँ पे कुछ डेस्कटॉप पड़े हैं, मतलब स्टॉक बहुत अच्छा है, अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो आपको अच्छे से मिल जाएगा, और वो भी कम प्राइजेस में, जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो यहाँ पे कुछ इनका सामान पड़ा है। प्रभात, एक बार लैपटॉप दिखाएंगे आप? तो अगर हम लैपटॉप का स्टॉक देखें, तो लैपटॉप भैया के पास अगर हम यहाँ पे देखें, तो लैपटॉप्स पड़े हैं कुछ जो आपको अच्छे प्राइजेस मिलेंगे। इसमें से सबसे जो लोवेस्ट प्राइस का लैपटॉप है, वो आप निकाल के दिखाओगे, जो सबसे कम हो और अच्छी परफॉर्मेंस हो। तो यहाँ पे आप
आपको HP का एक लैपटॉप मिलेगा। इसका प्राइस क्या रहेगा? इसका प्राइस रहेगा सर 9000। तो आपको सिर्फ 9000 में एक लैपटॉप यहाँ से मिलेगा। जो स्टार्टिंग रहेगी लैपटॉप की वो आपको सिर्फ 9000 से स्टार्टिंग हो जाएगी। और इसके अलावा इस साइड भी और लैपटॉप्स हैं, ठीक है। तो आपको लैपटॉप इस टाइम ये देखने को मिलेंगे, या आप एक बार शॉप पे विजिट करें। यहाँ पे आपको CPU, उसके पार्ट्स, जो आपको कीबोर्ड, माउस एंड एक्सेट्रा, कुछ भी चाहिए तो आपको यहाँ पे सब देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूँ तो ये शॉप आपको कहाँ पे मिलेगी, जो हमारा ओल्ड बस स्टैंड है कुरुक्षेत्र का, बिल्कुल उसके सामने। आप वहाँ पे देख सकते हो, ओल्ड बस स्टैंड है हमारा कुरुक्षेत्र का, उसके बिल्कुल सामने कंप्यूटर वर्ल्ड के नाम से आपको एक शॉप मिलेगी। आप एक बार यहाँ पे शॉप पे विजिट करें, जो आपको कुरुक्षेत्र में सबसे लोवेस्ट प्राइस पे अच्छे कंप्यूटर और CPU एंड उसके साथ लैपटॉप सबको आपको मतलब चीप रेट पे अच्छे परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाएंगे। एक बार आप शॉप पे विजिट जरूर करें। मेरे को इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, तभी मैं इनसे दोबारा CPU लेके जा रहा हूँ, जो कि मेरा 5वां CPU है इनकी शॉप से। मेरे को 2 साल हो चुके हैं। एक बार आप शॉप पे विजिट जरूर करें, तो हम आप इस CPU को चला के देखेंगे। मशीन ये कौन सी है? i5 सेकंड जनरेशन। तो इसका प्राइस क्या बढ़ेगा? आई थिंक 12, सर नहीं पता है, चला इन। तो हमने इसके अंदर जो हमने CPU लिया था, इसके अंदर हमने विंडो 10 बूट कराई है। अगर हम इसको अंदर से देखें तो हमें यहाँ पे 2 कूलिंग फैन, रैम्स और SSD और हमारी HDD और उसके साथ DVD राइटर, ये हम सब देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हम इसमें एक वायरलेस कार्ड भी इंस्टॉल कराएंगे, जो कि वाईफाई के लिए होगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।